हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। हेलो गणेश भाई, वेलकम बैक टू डिस्कस निंजा। वेलकम वेलकम। और गणेश भाई कैसे हो? बाकी बाकी सब बढ़िया है हमारा तो। सही है सही है। तो गणेश भाई, आज के वीडियो में हमें आप क्या बताएंगे? मैं आज के वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि एंजल फिश ब्रीडिंग के बारे में। ओके ओके। उनका बिहेवियर कैसा रहता है, उसको पेयर को टैंक क्या साइज का देना पड़ता है। हाँ हाँ। और हैचिंग टैंक्स को क्या देना पड़ता है, मतलब बिल्कुल, क्या बिल्कुल। क्या साइज में देना पड़ता है। हाँ। और उसको हैच क्या कितने दिन में होते हैं बेबीज। ओके। और उसका फ्री स्विमिंग तलक और उसका थोड़ा साइज केयर कैसा और साइज कितना तलक बढ़ना चाहिए और उसके लिए टैंक कितना टाइप का देना चाहिए, एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये सबसे थोड़ा बड़ा वीडियो है। ओके, तो मैं शॉर्टली करके आपको ये वीडियो बताना चाहता हूँ, क्योंकि सर काफी मतलब अपने पहले दो वीडियोस के बाद काफी मतलब व्यूअर्स ने कमेंट किए थे कि गणेश भाई ब्रीडिंग के बाद किए थे काफी कमेंट। उसमें क्या हो गया है कि काफी लोग को इंटरेस्ट था ये सब चेक करने के लिए। तो इंटरेस्ट उनको कैसा, काफी उन्होंने वीडियो देखे। हाँ हाँ। तो उसमें कैसा नॉलेज उनको नहीं मिला। बागा, बागा, तो ये मैं प्रैक्टिकली जो मैं 17 साल का जो एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ। वो हिसाब से मैं आपको ये सब चीज हमारे डिस्कशन जगह यूट्यूब पे मैं दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको भी काफी फोन आते ही रहेंगे ना ब्रीडिंग के बारे में। काफी आते हैं, तो मगर सभी से मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मुझे भी एक अच्छा लगता है कि मेरे वजह से कोई आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको भी एक एक्सपीरियंस मिले, नॉलेज मिले, और वो और चार जन को बोले। बिल्कुल। तो उनको भी कैसा थोड़ा बिजनेस भी बढ़ेगा और एक लेवल हो जाएगा उनका कि बाबा हम भी कुछ एक चीज कर सकते हैं घर के अंदर, एक चार टैंक लगा के ब्रीडिंग टैंक या एक चार फुट का दो टैंक लगा के ब्रीडिंग करके रेजिंग करके दो पैसा मिल जाए, वैसा एक सिर्फ चीज कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो गणेश भाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट तो मैं करना चाहता हूँ ये टैंक से। हाँ। सबसे पहला मैं बोलना चाहता हूँ जो भी हॉबीस्ट है। हाँ। जो मार्केट से या तो फिर किसी शॉपकीपर से पीस लेके रेज करते हैं। हाँ। तो उसमें क्या होता है, जब भी वो मेल मतलब बेबीज। हाँ। रेज होके बड़े होते हैं। हाँ। तो जब भी अडल्ट साइज होते हैं ना। हाँ। मतलब मैच्योरेस्ट मैच्योरिटी या तो फिर 9 महीने के बाद मैच्योर होता है। ओके, इन जनरल 9 महीने में 9 महीने में मैच्योर होता है मेल फीमेल दोनों। मेल फीमेल मैच्योर होने के बाद अगर वो सेट होना चालू होते हैं। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका बिहेवियर रहता है मेल फीमेल के साथ कैसा मेंटेन हो रहा है। हाँ। उसके बाद जब पेयर लगते हैं तो एक साइड का कोना पकड़ ले, जैसे कि मैंने आप से, मेरे सेकंड पिछले वीडियो में बताया था। तो फिर उस पेयर के लिए आपको पेयरिंग टैंक, जिसे हम ब्रीडिंग टैंक बोलते हैं, वो कितने साइज का देना है। हाँ। वो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। ओके। तो पेयर जब भी आप सेट करके ब्रीडिंग टैंक में डालते हो। ओके। तो उसका साइज होता है हाइट में 12 इंच। ओके। और वेथ में 9 इंच। ओके। और लेंथ में 15 इंच। ओके ओके। ये परफेक्ट ब्रीडिंग साइज है। ओके। तो ब्रीडिंग टैंक के लिए, ब्रीडिंग एंजल के लिए। ओके ओके। तो गणेश भाई एक सॉरी एक डाउट था, अभी आपने जैसे बोला कि एक कॉमन टैंक में पेयर सेट होता है। हाँ। तो वो क्या साइन क्या सिंबल्स देखने के कि अपने को मालूम पड़े कि पेयर सेट हो गया? तो क्या होता है जब कॉमन टैंक में आपके पास ऑलरेडी बहुत फिशेस है उसके अंदर इन जनरल वैरायटीज। हाँ। जब वो सेट होता है ना। हाँ। तो उनके आजू बाजू कोई भी मछली को आने देते नहीं है। ओके, कोना पकड़ते। हाँ, कोना पकड़ते क्योंकि उनको डिस्टर्ब ना होना चाहिए। हाँ। मेन तो अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो उनके पेयर अलग हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेन सबसे पहला पॉइंट आता है ये। ओके, तो तभी स्लेट डालना है नहीं, एक्चुअली कैसा अगर आपके पास जगह है। हाँ। तो आप एक बिजनेस के हिसाब से अगर चालू करना चाहते हो। हाँ। तो मैं एक अच्छा सजेशन देना ही चाहता हूँ कि आप नॉर्मल में 2-3 ब्रीडिंग टैंक लगाइए। ओके, जो भी साइज आपने बोला। हाँ, ओके। और हैचिंग टैंक 2-3 लगाइए। ओके। क्योंकि जब भी वो एग्स डालेंगे। हाँ। उनका तो क्या 10-10 दिन में अंडा रहता ही है एग्स डालना। तो हाँ। उनका तो काम हो ही चाहिए। हाँ। तो सिर्फ हम फीड करके उसको एकदम ब्रीडिंग स्टेज तक लेके आके अंडा डालते, तो उनका हम एक हैचिंग टैंक में डाल के उसको हैच करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहला प्रोसीजर रहता है। ओके। और गणेश भाई एक डाउट था, मोस्टली ब्रीडर लोग आर्टिफिशियली हैच करते हैं अलग टैंक में, तो पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं करते? वो पेरेंट्स खाते हैं उन्हें? हाँ, खाते तो है। हाँ। मगर ये तो बहुत जन ने मेरे को कमेंट में पूछा ही था। हाँ। कॉल्स भी करके पूछा था। हाँ। मगर क्या होता है कि उनको आइडिया नहीं रहता किसी किसी हॉबीस्ट को। हाँ। तो उनके लिए तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत अच्छा है और उनके लिए तो सबसे ज्यादा अच्छा है। हाँ। कि मुझे तो उनसे तो कमेंट तो आना ही है। हाँ।
मैं इसलिए ये वीडियो निकाल रहा हूँ कि काफी जन है अपने मुंबई की और मुंबई के अदर बाहर भी, तो उन लोग के लिए ये वीडियो एकदम बेहतरीन रहेगा मेरे हिसाब से, इसलिए मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, वो स्लेट पेयर सेट होता है, जब वो एक्स लगाते हैं ना तो उसको अगर प्लेट नहीं मिलेगा तो कभी कोई झाड़ के पत्ते पे लगा देता है, कांच पे लगा देता है, तो उन हॉबिस्ट को पता नहीं रहता और जो नए बिगिनर्स है उनको तो मालूम ही नहीं रहता, तो वो सभी चीज पे सर्च मारते रहते मगर उनको वो नॉलेज नहीं मिलता, तो इसलिए मैं ये चीज पे ज्यादा गौर करके वीडियो निकाल रहा हूँ। गणेश भाई, अभी आपने जैसे मेंशन किया आर्टिफिशियल हैचिंग करते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में और बता पाएंगे? हाँ, बता पाऊंगा, क्योंकि आप भी आप देख सकते हो, तो मेरे इधर है ना एक पेयर ने एक्स लगाया है, कहाँ पे? ये सेकंड टैंक में पेयर ने ये लगाया है एक्स, तो उसे हम हैचिंग कैसा करना है वो आपको मैं ये वीडियो में बताना चाहता हूँ। ओके ओके, आज ही एक्स लगाए? ये आज ही लगाए। ओके ओके, तो इसे हैच ऐसा करना है, जब भी आप हैचिंग टैंक्स जो मैं बता रहा हूँ ये सब मेरे आर्टिफिशियल हैचिंग टैंक्स है, तो उसमें हैचिंग करता हूँ, इसमें 7 टैंक्स है मेरे, तो इसमें क्या साइज रहेंगे गणेश भाई? ये 1 फुट के, जो नॉर्मल आपके दुकान में या शॉपकीपर में मिल जाते हैं। ओके, कुछ 150 है उसका और मिल जाते हैं। ओके, तो इस टैंक में हम हैचिंग करते हैं, इसमें हमको परफेक्ट हैचिंग मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल जो रहता है ना वो वाटर घुमाते रहता है। ओके ओके, सर्कुलेट होते हैं, सर्कुलेट होता रहता है। अगर आप बेबीज को एग्स को अगर इसके साथ रख के हैचिंग करेंगे तो क्या होता है, उनको जो भूख लगता है अगर हम खाना नहीं डाल देंगे बाय चांस भूल गए तो अंडे को बाइट करते हैं, अंडा खा लेते हैं या तो फिर बच्चे लोग को खा लेते हैं, तो वही सबसे अगर हमको अच्छा क्वांटिटी में एग्स निकालना है और हैचिंग चाहिए, तो इसलिए हम ये आर्टिफिशियल हैचिंग टैंक जरूरी रखते हैं। ओके ओके, तो अभी मैं इसका प्रोसीजर आपको बताता हूँ। इसमें एक्चुअली लिक्विड तो नहीं डाला हूँ, अभी आपको लिक्विड कितने मात्रा में डालना है। ओके ओके, और जो एंजल का प्लेट है एग्स का वो कैसे रखना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो मेरे पास एक जैसे कि मैंने आपको बताया था हैचिंग का, तो ये मैं स्लेट निकाल लिया हूँ एंजल पेयर के, इसमें से एक्स वाला, हाँ ये एक्स है पूरे। हाँ, अभी तो फर्स्ट जो मैंने स्टेप बताया था कि फर्स्ट टाइम हैचिंग या ब्रीडिंग थोड़ा कम मिलता है, एक्स कम लगाते हैं, नया पेयर, नया पेयर प्रोवेन पेयर जिसे हम बोलते हैं, तो वो प्लेट हमें उल्टा रखना है सबसे पहला। ऐसा उल्टा रखेंगे ना तो बच्चे जो भी हैच होते हैं तो वो सब नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोसीजर रहता है वो 10 डेज का टोटल रहता है फ्री स्विमिंग तलक का। अच्छा, एक्स का साइड उल्टा है, नीचे करना है? हाँ, नीचे रहता है, क्योंकि ये जो है एक्स जो है वो 3 दिन में हैचिंग होती है। ओके, मतलब उनको टोटल 72 आवर्स का सफर तय करना पड़ता है हैचिंग में, ऑक्सीजन एक्सपेंसिव लगाना है। हाँ, एयर स्टोन लगाना है। ओके ओके, तो ये सफर होता है इनका 72 आवर्स का, 72 आवर्स में हैच होते हैं, 3 दिन लग बोलते जिसे हम। ओके, तो जो 72 आवर्स होता है उसके बाद इनके अंदर एक टेल्स दिखते हैं। हाँ, विग्लेस स्टेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ग्लास के अंदर टेल्स दिखते हैं। हाँ, फिर बाद में फिर वो हिलते, एकदम वाइब्रेशन होता है। हाँ, विग्लेस। और सही तो 4 या 5 डेज में उनके आइस निकलते हैं। ओके ओके, आइस जो ब्लैक डॉट आते हैं। हाँ, तो आइस आते हैं। हाँ, तो फिर वो हल्लू हल्लू करके ना सब नीचे गिरते जाते हैं। ओके, तो स्लोली स्लोली। हाँ, तो फिर आपको जैसा सब एग्स नीचे गिरे तो उसका वाटर लेवल आपको आधा करना है। अच्छा, पानी का लेवल कम कर, जहाँ 80% वाटर है ना तो उधर आपको 40% रखना है। ओके ओके, और ऑक्सीजन लेवल पूरा स्लो रखना है, स्लो रखना है, क्योंकि जितना पानी कम रहेगा उतना आपका ऑक्सीजन लेवल फास्ट रहेगा, रूटीन फास्ट होते रहेगा। जब बेबीज फ्री हो जाएंगे तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ज्यादा पानी हम रखेंगे, अभी बोलते ना गहरे समुद्र में अगर हम डुबकी मारेंगे हमको तैरने आता है या ना आता है मगर उसका पानी का जजमेंट नहीं रहता हमको। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज हमको इसमें जरूरी देखना है कि बेबीज ज्यादा इसमें पानी में अगर तैरेंगे तो वीक्स होते हो। बराबर, तो इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि वाटर लेवल जो है वो आधा रखिए, एक बार हैच होने के बाद आधा। हाँ, जैसा रखेंगे जैसे कि 7 डेज में। हाँ, 7 डेज में तो हर सभी बच्चे नीचे गिर जाते हैं। बराबर, तो नीचे होने के बाद फिर आपको स्लेट निकालना है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम करना है। हाँ, और इसमें तो सबसे पहला तो मेथ्रिन ब्लू डालना जरूरी है। वो कभी डालना है? जब हम हैचिंग के लिए डालते हैं एक्स आर्टिफिशियल टैंक में। ओके, जैसे अभी आपने डाला, जैसा मैंने डाला है उसमें एक्चुअली बोलने जाएगा तो एक आधा ढक्कन या एक ढक्कन। अभी तो मेरे पास तो ज्यादा डार्क है। हाँ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कितना डार्क करना है।
तो ये आप खुद बनाते हैं क्या मिथिलिन व्यू? हाँ, ये मैं खुद बनाता हूँ। लेकिन अभी कोई ऑब्वियसली जो शॉप में मिलता है वो भी डालेगा तो भी चलेगा ना? हाँ, अभी मिनिमम तो इतना डार्क करना जरूरी है। इतना डार्क करेंगे तो वैसा एक केमिकल है, इससे क्या होता है अंडे को फंगस नहीं पकड़ता है। बराबर। हाँ, तो इसमें हैचिंग होने का अच्छा परसेंटेज अच्छा रहता है। फंगस नहीं पकड़ता, या तो फिर मिस्टर ग्रीन करके आता है, मार्केट में अवेलेबल रहता है। ओके, ओके। वो भी आप ले सकते हो। ओके। क्योंकि आजकल में नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं मिथिलिन ब्लू। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी किसी में डार्क नहीं रहता, किसी किसी में डार्क रहता है। तो सबसे पहला तो मिस्टर ब्लू करके है, वो आप ले सकते हो। तो कुछ नॉर्मल कॉस्ट में आपको शॉपकीपर में मिल जाएगा। अभी ये मिथिलिन ब्लू डाल के 3 दिन ऐसे ही रखना है? हाँ, 3 दिन रखना है। नॉर्मल के साथ कलर जो है ना थोड़ा चेंजेस होते रहता है। मिथिलिन ब्लू के साथ ज्यादा दिन रहने से ना, मतलब जैसा क्लियर वाटर बोलते हैं ना, वैसा नॉर्मल में होते रहता है। इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना आपके बेबीज अच्छे रहेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दवाई का काम करता है। ओके। और जैसा फ्री स्विमिंग हो गए तो आपको साइफन जल्दी नहीं करना है। बिल्कुल। मगर ब्राइन श्रीम जरूर डालना है। वो कौन से दिन से, मतलब अभी हैच होने के बाद कितने, कौन से दिन से? कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के पास 7 दिन में हैच होते फ्री स्विमिंग होते, किसी किसी के पास 9 दिन में होते। हमारे इधर तो 9 दिन या 10 दिन तो हमारे लिए एक ही है, क्योंकि जिस दिन ब्रीड होता है उस दिन हम लोग कैलकुलेट नहीं करते कैलकुलेशन कि किस दिन बच्चा फ्री हुआ। उस दिन सिर्फ अंडा डाला करके वो कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। ओके, ओके। और फर्स्ट फीड जब भी होता है तो जब फ्री स्विमिंग होता है तो फर्स्ट फीड होता है। ओके, मतलब 3 दिन हैच होने के लिए। जैसे ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरे आज फर्स्ट फ्राई मतलब स्विमिंग हुए, आज फर्स्ट डे उनका ये फ्री स्विमिंग हो रहे। ओके, ओके, ओके। फर्स्ट डे फ्री स्विमिंग। हाँ, फर्स्ट डे। तो मतलब ये साइज से आप ब्राइन स्ट्रीम डाल सकते हैं? ब्राइन स्ट्रीम डाल सकते हैं। ओके, ओके। क्योंकि अभी तो आज बोलते हैं ना, आज का तो मिनिमम इसको 9 and a half days, मतलब 9 दिन और आधा दिन हो गया। हाँ, ओके, ओके। तो फ्री स्विमिंग हो चुके हैं, आज फीड करूंगा। ओके, ओके। तो उसके बाद जैसा जैसा उनका ग्रोथ होता है तो थोड़ा थोड़ा आप साइफन करके थोड़ा नया पानी ऐड करके जो आप व्हाइट लिक्विड डालते एंटीक्लोरिन वो डाल के थोड़ा थोड़ा करके जैसे साइज बढ़ेगा उसके साथ आप पानी का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। ओके, क्योंकि ये सब चीज तो यूट्यूब में भी ज्यादा दिखता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और गूगल में भी आप सर्च करोगे जितना प्रैक्टिकल हमको सीखना चाहिए वो मिलता नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी चीज से मैं वाकिफ होके काफी कस्टमर्स या तो फिर काफी कमेंट आए मेरे को व्यूअर्स के इसका निंजा के, तो उनके लिए ये चीज मेरे को बनाना अच्छा लगा इसलिए मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। की काफी लोग तो मुझे तो सर और मैं तो लेजेंड ये बोल के वो बात कर रहे, तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैंने बोला उनके लिए मैं कुछ करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों को मदद हो जाएगी ये सब चीज से। और काफी लोग जो आज के टाइम पे तो कोरोना का समय, काफी लोगों का काम भी छूट गया है, काफी लोग का तो प्रॉब्लम बहुत है। बिल्कुल। जैसे कि हमारे कलकत्ता के जो डिस्कस निंजा के व्यूअर है जो सुभद्रा चक्रवर्ती करके, खास उन्होंने मेरे को बोला कि सर मैं एंजल फिश का और आपका भी फैन हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं मेरे घर पे छोटे से मैंने बड़ा किया एंजल, क्योंकि मेरा शादी होके कुछ 2 साल हो गए, 2 साल में आज मेरे पास बेबी नहीं है, तो मछली को मैं एक बेबी के हिसाब से पाल रहा हूँ। ओके, ओके। तो जब भी उनके पास ब्रीड हुआ, बच्चा हैचिंग हुआ, उसके बाद जब भी खुशी हुई उनको, खुशी होने के जब फ्री स्विमिंग हुआ फिर 2-3 दिन के बाद मर गए ना, तो उनको बहुत मतलब अलग फील हुआ। धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे काफी लेवल तक। नहीं नहीं, गणेश भाई आपका बड़प्पन है, आप नॉलेज शेयर करिए, काफी व्यूअर्स ऑफिस को उससे हेल्प हो गई है, इसके लिए आपका थैंक यू।